तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो इसके पहले भी हमने काफी वीडियोस लाए हैं, तो आज हम फिर आगे एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारे सप्लीमेशन प्रोडक्ट्स की सीरीज पे भी हम मतलब सारे आर्टिकल्स की सीरीज बना रहे। तो लास्ट वीडियो जो हमने लाया था वो अहमद सर ने लाया था, क्या प्रिंटिंग, उसी के रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेरीज आए थे कि क्या हम ये विनाइल बैक पे प्रिंट कर सकते हैं क्या। तो उसी को देखते हुए हम आज आपको बैक पे प्रिंट करके दिखाएंगे। और तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस रहेगा कटिंग प्रोसेस। तो विनाइल को हम जो भी आपका डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग कट कर लेना है आपको। तो सिंपली तो ये विनाइल को हम डिजाइन के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। आपको ये सिंपली प्लॉटर पे सिंपली आपको ये प्लॉटर पे लोड कर देना है। जैसे कि आप जानते हो कि आप जानते हो, इससे पहले भी हमने काफी वीडियोस बनाए, तो आपको लोड करने में, अनलोड करने में या ट्रेस करने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हमारा विनाइल जो है वो लोड हो चुका है। और अब बढ़ते हैं आप डिजाइन की तरफ। तो डिजाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने डिजाइन ले लिया बैटमैन का, जिसको हमने मिरर इमेज देख के, और अब हम उसको सिंपली ट्रेस कर लेंगे। तो सिलेक्ट ट्रेस एरिया कर लेना आपको। ये हमारा डिजाइन ट्रेस हो चुका है। और ट्रेस पे करके सेंड कमांड छोड़ देना। सेंड कमांड पे हमको सेटिंग्स वगैरह देख लेना प्लॉटर की। तो फोर्स हमने 16 का रखा है, स्पीड 3 का, ब्लेड डेप्थ हमने 5-6 का रखा है, और पासेस जो है वो 1 का है। और बाकी किसी सेटिंग्स को छेड़छाड़ नहीं करना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, ट्रेस करने में या कि तो हमारे आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा कटिंग प्रोसेस जो है विनाइल का वो शुरू हो चुका है। और ये है हमारा कैमियो 4 मशीन जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। और ये है हमारा हैवी ड्यूटी 15x15 मशीन, जिसमें हम आपको फ्यूजिंग करके दिखाएंगे। तो ये टेम्परेचर सिंपली सेट कर लेना है, 160 पे मैंने सेट कर लिया। और टाइमिंग जो है ये 10 सेकंड्स का रखा है। तो ये गर्म होने हो चुका है। और जैसे कि आप जानते हो कि ये छोड़ के हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट्स की अगर आपको इंक्वायरी है या किसी भी चीज़ का कुछ रिक्वायरमेंट है या नया काम शुरू करना चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर, किसी भी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा कटिंग प्रोसेस हो चुका है। इसको मैं सिंपली अनलोड करके इसको पील कर लूँगा। और डिजाइन आपको तो पता है, काफ़ी वीडियोस आपने हमारे देखे, तो पीलिंग कैसे करते हैं सब तो आपको पता है। तो सिंपली मैं आपका टाइम ना ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं पील कर लूँगा खुद से। और मैंने इसको अच्छी तरीके से पील कर लिया। तो आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन और फिनिशिंग के साथ जो है एकदम बाउंड्री से बाउंड्री एकदम परफेक्ट मैच होकर कटिंग हुआ है। और इसी को हम अब प्रिंट करके दिखाएंगे आपको। और आप देख सकते हो जैसे कि मटेरियल सॉफ्ट गमिंग में आता है। तो सॉफ्ट गमिंग होने के कारण आपका जो डिजाइन है वो आप किसी भी आर्टिकल पर रखते हो तो हिलता नहीं है। सिंपली अभी आपको सैक बैग, ये हमने सैक बैग ले लिया है किसी भी एक नॉर्मल ऑनलाइन शॉप से लिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सैक बैग है, इस पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो आपको अच्छे तक कर लिया है। और आपको ध्यान रखना है इसमें कि आपका जिपर वगैरह जो है इस पर जलेना, इस तरीके से आपको प्लेस करना है। तो सिंपली मैं आप ये बैटमैन के डिज़ाइन को मैं इस पर रख दूंगा। सिंपली मैंने इस तरीके से रख लिया है। देख सकते हो कि ये है टेफ्लॉन शीट। टेफ्लॉन शीट की आपको पता है, हमने काफ़ी सारे अभी तक के सारे वीडियोज़ में हमने यूज़ किया है। तो सिंपली आपको अभी फ्यूज़ कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हो कि ये फ्यूजिंग प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है। और ये फ्यूज हो चुका है। और ये देख सकते हो सर, क्या शानदार प्रिंट आ चुकी है इस पर। और ये है ब्लैक रिफ्लेक्टर मटेरियल। तो इस पर जब भी कोई लाइट पड़ती है या फिर कुछ रोशनी वगैरह पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होता है। इस तरीके से जो है हमारा बैक का आर्टिकल जो है आज का कंप्लीट हो चुका है। और ये हमने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो आपको भी सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है फर्स्ट टाइम ट्राई करके समझोगे। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको भी समझ नहीं पाएगा, इसके लिमिटेशन आप जान नहीं पाओगे। तो सिंपली ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने दिखाया ये बैटमैन मतलब जो हीट ट्रांसफर विनाइल, हमने ये नॉर्मल सैक बैक पर प्रिंट किया है। और इसी के साथ साथ जो है आज का मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। और किसी भी चीज़ का अगर रिक्वायरमेंट रहे आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मशीन्स भी यूज़ किए, टेफ्लॉन शीट यूज़ किया, कैमियो 4 प्लॉटर यूज़ किया, या फिर किसी भी चीज़ का अगर रिक्वायरमेंट हो, जैसे PPF हीट ट्रांसफर विनाइल हो या DTF हो, तो प्लीज़ आप किसी भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। आपसे संपर्क करिए हमसे, और आपको सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल कर दिया जाएगा। थैंक यू।